हाय हेलो वेलकम डैड इन किचन भाई। आज का डिश है मच्छी का सालन। कौन सी मच्छी? हिल फिश। बॉम्बी डैल बोलते भाई, जबरदस्त रहता भाई। छोटी मच्छी है, स्मॉल फिश, खाए तो मजा आता भाई। बस इसको बनाने के लिए मेरे को फॉलो हो जाओ। कोयले की सेगड़ी लगाओ, भगोना लगाओ, बस तेल डाल लो। तेल अच्छा गर्म हो गया कि इसमें डालो करी पाक, बाद में डालो कटा हुआ प्याज। इस सालन के लिए जरा प्याज मोटाई काटना भाई। कई बोलते ये प्याज का और टमाटर का चपल ग्रेवी बनाना है। बस प्याज को अच्छी तरह से नरम पकने देना भाई। बस एक 3-4 मिनट तो लगते भाई। और कोयले की सिगड़ी है ना, बस आराम से दम से बनता भाई। बस अभी क्या टमाटर के बारीक टुकड़े काट के डाल देना भाई। लाल टमाटर देखिए मस्त जबरदस्त रहता भाई। अब इसको आराम से पकने देंगे भाई। 2-3 मिनट तो आराम से लग जाते। बस ढक्कन लगा के पकाए तो और नरम पकते भाई। बाद में देखेंगे 2 मिनट के बाद। देखो प्याज और टमाटर अच्छा नरम हो गया भाई। देखिए बस आराम से सब मिक्स कर लेते जाओ। बस अच्छा पकने देना भाई नरम। कहीं बोलते अपन स्पेच ग्रेवी बनाना, अच्छा मिक्स कर लेना। देखो इसको बस मिक्स करते जाओ आराम से, अच्छा नरम पकता भाई। बस उसके बाद डालना अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इस प्याज और टमाटर के साथ कच्चापन जाने तक आराम से पका लेना। देखो भाई डिटो ऐसे ही अदरक लहसुन मस्त टेस्ट फ्लेवर देता भाई। मस्सी के सालन में मस्त रहता। देखो जरा ज़्यादा ही डाल लो अदरक लहसुन, ज़्यादा बोल दो तो फिर ज़्यादा भी मत डालो, फिर फ्लेवर बहुत बिगड़ जाता सालन का। बस अपने हिसाब से डाल लेना। अब ढक्कन लगा के आराम से पकने दो भाई 2 मिनट। देखिए कैसा अच्छा पक रहा। देखो अच्छा उबाल आ रहा तेल का। बस इसी तरह आराम से मिक्स कर लेते, पका लेना। देखो भाई बस 2-3 मिनट तो मस्त जम जाते। देखो इसको बनने में पकने में, देखिए कोयले की सेगड़ी है ना, मस्त दम से पकता भाई। गैस के सेगड़ी में कोयले के सेगड़ी में बहुत फर्क है भाई। दम से पकता, मस्त पकता। गैस के सेगड़ी में आधा घंटा पके, घंटा पके तो कोयले के सेगड़ी पे घंटा पकता भाई। आधा बहुत डबल टाइम होता भाई। गैस के सेगड़ी में आधा घंटा लगे तो कोयले के सेगड़ी में घंटा लगता भाई। एक सालन को, एक नहीं कौन से भी सालन को पकने के लिए मस्त जबरदस्त रहता। बाद में डाल लो स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, सोल्टी जिंजर पाउडर, हल्दी, नमक, कसूरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मेथी पाउडर। अच्छा डाल के मिक्स कर लेना भाई इसको। देखिए जबरदस्त पूरा आराम से इसको फ्राई कर लेना। देखो मस्त, देखिए टमाटर और प्याज अच्छा पक गया। बस अब इसको गया मस्त, इसको 1 मिनट के लिए आराम से मिक्स कर लेना। देखो भाई जबरदस्त रहता। अच्छा नीचे नहीं लगना, देखो लग रहा बस थोड़ा लगना। ये नीचे लगने तक पकाना बोलते, तब तक पकाना मतलब पक गया। देखिए ऐसा आगे थोड़ा सा पानी डाल ले ताकि मसाले पूरे आराम से पक जाए। अभी स्पाइसी मसाले डाले ना, पूरे नीचे नहीं लगना, आराम से पकना ऐसा। अच्छा मिक्स कर ले इसको, थोड़ा इस पानी डालना भाई। इस पानी में 2-3 मिनट और ये मसालों को पका लेना। अच्छा नरम पकता। देखो तेल सेपरेट होना तब तक पकाना है इसको। आराम से दम से पक जाता भाई। बस खाए तो बस नानी याद आना भाई। बस ऐसा लगता कि पैदा हुई है बस खाने के लिए। इच्छुआ देखिए भाई कैसा उबाल आ रहा। देखो तेल सेपरेट हो गया, देखिए साइडों में। बस अभी क्या है ऐसे ही छोना अपन को। बस अभी क्या है आराम से पकाते जाओ और थोड़ा पानी डाल लो ना बोल तो। बस खोबरे का पाउडर डाल लो, सूखा हुआ नारियल का पाउडर है ये, खिसा हुआ नारियल। बस वो डाल लेना, बस आराम से पका लेना भाई। बस इसको 1 मिनट नारियल का पाउडर डालने के बाद, इसको आराम से मिक्स करने के बाद इसमें डालना इमली का पानी भाई। पानी के जगह इमली का पानी डालेंगे मस्त। थोड़ा एक बार डाल के इसको अच्छा पकने देना भाई, बॉईल आने देना। अच्छा इमली का फ्लेवर मस्त जम जाता। देखो अच्छा बॉईल आने दो,
बस इमली का पानी डाल लेंगे। अच्छा बॉयल आने है भाई, देखो दो कटोरा इमली का पानी डाले। ये तो नींबू उतना नींबू है भाई, इमली है नींबू साइज उतना इमली, ज़्यादा नहीं है। देखिए ऐसा सेम क्या ग्रेवी बना, देखिए मस्त जबरदस्त। अच्छा इसको उबाल आना था ना भाई, ढक्कन लगा के इसको आराम से उबाल आने दो। देखिए आह क्या दम से पक रहा भाई, वाह क्या शानदार टेस्ट बनता भाई सेगड़ी पे बनाने से। देखिए अच्छा उबाल आ रहा, देखो मस्त, देखिए तेल सेपरेट हो गया, बस अपन को ऐसे चाहिए। देखो जब भी सालन का मजा आता है, ये बुमबिडियल फिश भाई मस्त रहता, सुपर रहता। देखो ये मच्छी खाए तो बस मुंह में डाल के मच्छी को बाहर ऐसा खींच रहा, मस्त रहता भाई। देखिए ऐसे ही बनना, देखो ग्रेवी आराम से मिक्स कर लो, आराम से उबाल आना भाई, दम से पकड़ाना ये कोयले के सेगड़ी पे। देखिए मस्त उबाल आ रहा, देखो बस देखिए मस्त बन गया, नजदीक आ गया। देखो अभी डालो कसूरी मेथी, मस्त फ्लेवर देता भाई ये मसाले पूरे है ना भाई, फ्लेवर के लिए जबरदस्त देता भाई खाने में टेस्ट। अच्छा मिक्स कर लेना, देखो जबरदस्त। अच्छा उबाल आ रही, खुशबू तो क्या आ रही भाई, बाबा बाबा ऐसा लगता है कि पैदा हुई बस खाने के लिए। इच्छी भाई वाह वाह, ऐसा रोटी के साथ ही खा सकते भाई, ऐसे इच्छा। हाँ ऐसा दिल लग रहा है कि अभी खा ले, खा लूँ बस, इतना अच्छा फ्लेवर दे रहा। देखो भाई वाह देखिए बस, आह क्या उबाल आ रहा भाई, बस बन गया। देखो सालन अब इसको क्या करेंगे अपन, एक आधा लोटा पानी डाल के आराम से पका लेंगे भाई। क्या बोलते मच्छियाँ डालने ना अपन, मच्छियों को पकना। बस देखिए आराम से पकने दो भाई, अब इसको पानी को डाले ना, आधा लोटा पानी डाले ना। अच्छा उबाल आना, देखो जबरदस्त उबाल आना। बाहर लोग बेच रहे, देखो झाड़ुआ बेच रहे, तरकारियाँ बेच रहे, पूरा आवाज आ रहा देखो इधर वही है और कुछ भी नहीं, रोड पे है ना घर मेरा, बस इसलिए बाहर जो भी बेच रहे चिल्ला रहे सो आवाज आ रहा। बस इसको अच्छा उबाल आने दो भाई, ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगा के अच्छा उबाल आना भाई इसको। देखिए ऐसे देखो आह क्या उबाल है, देखिए जबरदस्त उबाल आ रहा है, देखो मह क्या फ्लेवर है भाई। वाह देखिए ये मच्छी बुमबिडियल मच्छी इल फिश बोलते भाई इसको, बस ऐसा एक ही दम डाले तो शेरवा पूरा ऊपर उड़ता है, इसलिए एक एक मच्छी डालना और जल्दी डाल के बस एक मिनट से ज़्यादा लगाना इच्छा नहीं इसको, और बड़े प्यार से हिलाना देखो इसको भाई, ये बस एक मिनट में पक जाती मच्छी भाई, बस एक मिनट। इसीलिए इसको दम पे सेगड़ी पे बना रहे, देखो स्टोव पे बनाए, गैस स्टोव पे बनाए तो बस ये मच्छी पूरा चूरा चूरा हो जाता भाई, बस गैस स्टोव पे बनाए तो क्या करना। अच्छा उबाल आने के बाद ये शेरवे को उबाल आने के बाद नीचे उतार के मच्छी डालना, देखो वो गर्माई में पक जाती मच्छी, इतनी नाजुक रहती देखो ये मच्छी, नहीं तो सालन पूरा कांटे कांटे बन जाता। बस उतना ही उबाल, एक उबाल आने दो बस आराम से, कोयले का सिगड़ी है ना दम से आंच हल्लू लगता, एक दो मिनट में आराम से उबाल आ जाए, बस ज़्यादा लगा नहीं। ये अपने आप पानी के गर ये मसाले के गर्मी में पक जाती देखो, और चमचा डाल के बार बार हिलाना नहीं इसको, देखो ऐसा हिलाना, देखो ऐसा हिलाए तो मच्छी टूटती नहीं करती नहीं, आराम से रहती देखो, बस ऐसा ही बस खत्म हो गया। अब ये गर्माई में पक जाती है, सालन का जो शोरवा का गर्माई है ना बस उसमें पक जाती देखो, और पक गई भी देखो आपको बताता हूँ, बस खत्म ऐसे ही खत्म। देखिए खत्म ऐसे ही भाई, जबरदस्त रहता मच्छी का सालन बनके तैयार, मच्छी का शोरबा भाई, बस पूरी नान रोटी जवारी की रोटी किसके साथ भी खा सकते भाई, चावल के साथ भी खा सकते, इसके साथ बोल के नहीं उसके साथ बोल के नहीं, किसके साथ भी जम जाता भाई, बस खाने वाले चाहिए बस। देखिए भाई क्या खूब दिखने में तो शानदार दिख रहा भाई, देखिए आह बस इसको खाए तो नानी याद आती भाई, बस ऐसा लगता है कि पैदा हुए बस खाने के लिए इच्छ भाई, और क्या है मार्केट जाओ मच्छी लाओ और ऐसे देख लेते पका के खाओ।